मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले भी मैंने GSECL के टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन किया हुआ है, करते रहते हैं, पर मैंने देखा कि काफ़ी टाइम से एक मैसेज आ रहा है कि सर ये बताओ कि जो जनरल नॉलेज है उसमें क्या पढ़ें। तो देखो, ये तो नहीं मैं बता सकता कि क्या क्या पढ़ना है, बस कुछ टॉपिक्स जो मेरी एनालिसिस है, जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट हैं और छोटे हैं, थोड़ा सा पढ़ के वहाँ से नंबर लाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि GSECL वालों ने रिपीटिवली उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। वो टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, यहाँ पे हम बात भी कर लेंगे कि उस टॉपिक पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके अलावा तो 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, और ढेर सारा सिलेबस है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब कोई कहे कि भैया समंदर है, एक बाल्टी पानी निकाला गया है उसमें से, तुम बताओ वो कौन सा किनारा है जहाँ पे पानी घट गया होगा, तो मतलब क्या ही जवाब होगा, वही हालत इसका है। 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, उसके सब टॉपिक्स हैं, क्या ही बता सकते हैं कि कहाँ से पूछा जाएगा। खैर, जो मैं टॉपिक बताऊंगा, थोड़ा सा आपको इसको सीरियसली लेना है, जितना भी 3-4 दिन आपके एग्जाम्स में बचे हैं उसमें ये टॉपिक पढ़ लेना, 2-3 घंटा दोगे ख़त्म हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि 4 से 5 नंबर पॉसिबिलिटी है कि यहां से आ जाएगा, पॉसिबिलिटी ही है। एग्ज़ाम देने के बाद गालियां मत निकालना कि आपने कहा था 4 नंबर आएगा पर आया नहीं। पहला है गांधीयन मूवमेंट। कई बार देखा गया है कि GSECL वालों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। गांधी जी ने जितने मूवमेंट्स किए हैं वो कौन से ईयर में किए गए, मान लीजिए किसी मूवमेंट का ईयर पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा एसोसिएशन, ठीक है, कि वो मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इस टाइप का, कौन से प्लेस से एसोसिएटेड है, या फिर किस किस चीज़ को लेके हुआ था या क्यों हुआ था, इस टाइप से आप समझ लो। तो 2-3 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बट आपने थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लिया है उस मूवमेंट का तो पता चल जाएगा। ईयर तो आपको याद ही रखना है, प्लेस भी याद रखना है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था और रीजन क्या है, किस रीजन से स्टार्ट हुआ था वो मूवमेंट। तो गांधीयन मूवमेंट को कई बार कई सारे पेपर में पूछा गया है, अलग अलग मूवमेंट को, तो ध्यान रखना है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है अगर आप पढ़ लो तो। दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है ग्लोबल इनोवेशन। नहीं, ये थोड़ा सा गलती हो गई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो एक इंडेक्स है, मैं यहाँ पे आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो ग्लोबल इंडेक्स आते हैं और ऐसे इंडेक्स जिसमें इंडिया ने या तो बड़ा ही खराब परफॉर्मेंस किया है या तो बड़ा ही अच्छा किया है, प्रीवियसली मतलब अपने पहले के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है या फिर बहुत खराब परफॉर्म किया है, तो ऐसे ग्लोबल इंडेक्स को आपको ध्यान रखना है, या तो वो 2021 में आया हो या 2022 में, दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब आप मान के चलो कि 1.5 ईयर का जो यहाँ पर अंतराल है, क्योंकि कुछ इंडेक्स जो होते हैं वो ईयर के बाद में आते हैं, कुछ ईयर के स्टार्ट में आ जाते हैं प्रीवियस ईयर के डेटा के हिसाब से, तो आपको देख लेना है। इंडेक्स बहुत सारे होंगे, 40-50 हो जाते हैं, पर सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, कुछ इंडेक्स आपको पढ़ के लग जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी मैंने बता ही दिया सॉफ्ट टॉपिक, अगर इंडिया ने बहुत अच्छा किया है या फिर बहुत खराब किया है तो वो आपको ध्यान रखना है। एक और इंडेक्स आपको ध्यान रखना है, बड़ा ज़रूरी है, नीति आयोग का इंडेक्स आता है, और नीति आयोग में वो इंडेक्स ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें गुजरात ने अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है, तो ऐसे इंडेक्स नीति आयोग और भी कई सारे इंडेक्स निकालता है, तो अगर सारा आप याद रखते हो तब तो कोई कहना ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मगर सारा आप याद नहीं रखते हो तो जिसमें गुजरात की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है उसको आप ध्यान रख लेना। क्वेश्चन यहाँ से भी एक पूछा जा सकता है, मेरे हिसाब से दोनों मिला के एक क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा नहीं कि 2 टॉपिक आ गए यहाँ पे, तो 2 इंडेक्स का टॉपिक है दोनों, ठीक है, पूछा जा सकता है। जो आपका थर्ड टॉपिक है, अगर गुजरात से कोई ऐसा आदमी है जिसको कोई नेशनल अवार्ड मिला है, जैसे अभी साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है, गुजराती लिटरेचर वाला, या फिर कोई ऐसा आदमी, यहाँ पे कई सारे टॉपिक मैंने सब टॉपिक भी मेंशन कर रखा है, या कोई गुजरात का आदमी है जो न्यूज़ में है, जैसे कि अभी GPSC के चेयरमैन बने सोनी साहब, तो इस टाइप की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कोई आदमी गुजरात का है जो कि नेशनल लेवल पे न्यूज़ में है, या कोई आदमी गुजरात से बिलोंग करता है उसको कोई नेशनल अवार्ड मिला है, तो इस मतलब उनके नाम को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे भी 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए किसी को अवार्ड दिया गया है, तो ये पूछा जा सकता है कि उनको कौन सा अवार्ड मिला है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि किस चीज़ के लिए उनको अवार्ड मिला है। जैसे मान लीजिए किसी को राइटिंग मिला तो पूछ लेंगे कि नोबेल के लिए मिला है, पोएम के लिए मिला है, या किस चीज़ के लिए मिला है, इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं।
तो थोड़ा सा आपको वो डाटा देख लेना है, ऐसा नहीं कि एकदम से नाम याद कर लिए बस काम खत्म हो गया। नाम के अलावा भी थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन उसके बारे में पढ़ना है, और बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है पढ़ना, ठीक है। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो चीज़ों को कलेक्ट करके आपको देती हैं, तो पढ़ लेना। तीसरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है ओलंपिक से रिलेटेड। ओलंपिक में कई बार पैरा ओलंपिक को हम लोग छोड़ देते हैं, तो उसको छोड़ना नहीं है, इंक्लूड करना है। और इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, जिसमें इंडिया ने मेडल्स जीते हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए, चाहे पैरा ओलंपिक का हो या फिर ओलंपिक का नॉर्मल का हो, दोनों के केस में ध्यान रखना है। और जिसमें इंडिया ने हिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब क्वालिफाई भी नहीं होती थी, इस बार क्वालिफाई हो गई, इस टाइप के नाम को भी ध्यान रखना है। तो ओलंपिक से रिलेटेड जो इंडिया से बेसिकली रिलेवेंट डाटा है उसको भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये भी बड़ा पूछते हैं, दो तीन क्वेश्चन मैंने देखा कई सारे पेपर में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उससे रिलेटेड पूछे गए। तो जितनी भी नई पॉलिसी, वैसे तो पॉलिसी बहुत सारी आई होंगी, पर आप कोशिश करना कि जो 2021 में पॉलिसी या तो पहले की पॉलिसी कंटिन्यू की गई है, जैसे होता है ना कि पहले जो चल रही थी उसमें 2 ऐड करके 3 ऐड करके आगे पॉलिसी बढ़ा दिया जाता है, एक तो ये कि 2021 में या 2022 में उसको कंटिन्यू किया गया, या फिर कोई नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल लेवल की, ठीक है, नेशनल लेवल की कोई नई पॉलिसी लॉन्च किया है तो उसको भी ध्यान रखना है आपको, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर आप अपने हिसाब से इसको छोटा कर सकते हैं कि कौन कौन से मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो एक बार देख लेना, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं देखना है, बस पॉलिसी को ही देखना है, उसमें डिटेल पढ़ना नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि अगर इंडिया किसी यूएन बॉडी में इलेक्ट हुआ है पहली बार या फिर री इलेक्ट हुआ है, ठीक है, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन वाला था तो उसमें री इलेक्ट हुआ है, तो अगर कहीं पर 2021 में 2022 में अगर कोई भी ऐसी ह्यूमन बॉडी है जहाँ पे इंडिया या तो इलेक्ट हुआ है पहली बार या तो री इलेक्ट हुआ है, तो उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। बाकी इसके अलावा तो वो उठाते हैं, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक से कुछ भी डाल देंगे, एक हिस्ट्री से डाल देंगे, एक ज्योग्राफी से डाल देंगे, पर अल्टीमेटली मैं ये कुछ टॉपिक्स मुझे लगे कि इनसे रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं यहां पे आपको कितना टोटल 5 टॉपिक बताया हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस यहां से आने चाहिए, मेरी उम्मीद ही है, जैसे मैंने आप पहले आपको स्टार्टिंग में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि इन टॉपिक से 4 से 5 नंबर आ जाएंगे। तो अगर आप 2-3 घंटे देते हो तो मुझे लगता है कि आपके 4 से 5 नंबर बन सकते हैं, ये मेरी एडवाइज होगी कि देखिए जरूर इन सारे टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, जेई का एग्जाम आप अपीयर करने वाले हो। तो चलिए यहाँ तक वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।